بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله حاديا مهديا واهده واهد به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم माह रजब का महीना चल रहा है। और इस माह मुबारक के अंदर एक अजीम वाकया मिल्लत इस्लामिया के लिए पेश आया। चूंकि हमारी तरतीब तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुमे के खुतबात में चल रही है, लेकिन आज का जो बयान और खुतबा होगा, अगरचे इसका ताल्लुक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ ही है, और वो इस बुनियाद पर जैसा कि गुज़श्ता जुमातुल मुबारक हिजरत हबशा जो कि दूसरी मरतबा हज़रात सहाबा ने फरमाई थी, तो उन हालात की वजह से जो हालात उनको मक्का में दरपेश थे, मसाइल मुश्किलात परेशानियां और न जाने कितने जुल्म और सितम उनके ऊपर किए जा रहे थे, तो इस बुनियाद पर 86 मर्द और 17 औरतों ने हबशा की तरफ दूसरी हिजरत फरमाई। तो गोया कि ये वो दौर है, आप इसको इब्तिदाए नबुव्वत भी कह सकते हैं, आगाज़े इस्लाम भी कह सकते हैं, कि आगाज और इब्तिदा में इस्लाम की ये कैफियत कि कोई पुरसाने हाल नहीं था, और फिर एक दौर ऐसा भी आया इस्लाम के ऊपर, आप यूं कह लें कि जिस दीन को और जिस इस्लाम को बड़ी बेरहमी के साथ मक्का से निकाला गया था, उसको बेघर कर दिया गया था, तो एक वक्त आया था कि आधी से ज्यादा दुनिया पर इसे इस्लाम के परचम लहरा रहे थे, आधी से ज्यादा दुनिया पर, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम मुसलमान, ताकतवर तरीन मजहब अगर था तो इस्लाम। तो जाहिर है ये सफर जो मक्का से शुरू हुआ और शाम में जाकर खलीफा मुस्लिमीन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो जब रजब के महीने में 22 तारीख को सन 60 हिजरी में दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो 64,65,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम पहुंच चुका था। तो गोया कि हिजरत हबशा सानिया, वहां मुसलमानों की एक कैफियत और एक हालत सामने नजर आती है
और जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल दौरे नबूवत उसकी तकमील फरमा कर दुनिया से पर्दा फरमा गए और अरब की हद तक आपने इस्लाम को गालिब कर दिया था। अरब की हद तक इस्लाम गालिब था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सहाबा जो आपके मिशन के अमीन बने, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन थे, आखिरी नबी और आखिरी रसूल, आपके बाद नबी कोई नहीं, आपके बाद रसूल कोई नहीं, लेकिन इस्लाम में तो ता कियामत रहना था, शरीयत में ता कियामत चलना था। इससे पहले का तर्ज अमल तो ये था कि नबी के बाद नबी आते, एक रसूल के बाद अगले रसूल आ जाते, उनके मिशन को लेकर वो चलते, वो नबी जब जाते अगले नबी आ जाते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है, अब आपके बाद नबी और रसूल तो आना कोई नहीं। अना खातमुन नबीयीन ला नबिया बादी, कि मैं तो बिल्कुल खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि ये दीन तो क्यामत तक रहेगा, शरीयत में क्यामत तक चलना है, तो फिर सवाल है कि वो मिशन जो अंबिया का है, जाहिर है मिशन जितना बड़ा और अजीम होता है उसके लिए चुनाव भी उतने बड़े लोगों का होता है, अजीम लोगों का होता है। अब ये मिशन अल्लाह के दीन का, शरीयत का, इस्लाम का, ये बड़ा अजीम मिशन है। हजरत आदम से इस मिशन को शुरू किया गया और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर उस मिशन की तकमील कर दी गई। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। तो ये अल्लाह के महबूब पैगंबर पर उतरने वाली आयत मुबारक कि जिस दीन का आगाज हजरत आदम से हुआ, अल्लाह के महबूब पैगंबर पर उस दीन की तकमील हो गई। अब उसके बाद अगला मरहला ये था कि इस दीन के मुताबिक सारे लोगों को लाया जाए, सारी इंसानियत इस दीन की छतरी के नीचे जमा हो जाए और जो कामिल अकमल मुकम्मल दीन की सूरत में एक ज़ाब्ता हयात दे दिया गया, सारे लोग उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। अब ये काम कैसे होगा? नबी तो है कोई नहीं, रसूल तो है कोई नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जमात ऐसी अता फरमाई कि जिनकी तरबियत गोया अल्लाह ने खुद फरमाई, जिनका इंतखाब अल्लाह ने खुद फरमाया और उनके अंदर वो औसाफ और कमालात जमा कर दिए जो औसाफ और कमालात अंबिया के होते हैं। वो सारे औसाफ अल्लाह ने सहाबा में, किसी में सदाकत को रख दिया, किसी में अदालत को, किसी में शुजात और बहादुरी को, किसी में सखावत और शर्म हया को, किसी में अमानत और दयानत में, किसी को तकब्बुर और सियासत, तो जितने भी अल्लाह के महबूब पैगंबर के औसाफ और कमालात थे उनके अक्स और उनके फर्रात अल्लाह ने अज़राफ़ सहाबा में तकसीम फरमा दिए। किसी को कुछ ज्यादा मिला, किसी को कुछ कम मिला, मिला सबको। तो गया अल्लाह ने फिर अज़राफ़ सहाबा के जरिए इस मिशन की तकमील करना चाहिए। उस बुनियाद पर अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हुकूमत और इक्तदार पे आते हैं और 2 साल और हुकूमत करने के बाद जब दुनिया से जाते हैं तो अल्लाह के महबूब पैगंबर जब दुनिया से गए तो 9 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम था। आपके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो हुकूमत की तकमील करके दुनिया से जाते हैं तो 11 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम के परचम लहरा रहे हैं। आपके बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद खिलाफत पे आते हैं और आपने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में इस इस्लाम की सरहदों को 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचा दिया और आपका दौर कितना जरूरी था अपने मौके पर। और जब बात आई की तफसील भी जिक्र कर दी जाएगी तो आप दुनिया से जामे शहादत नोश करके गए तो उस वक्त 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम गालिब आ चुका था। आपके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु वो खिलाफत संभालते हैं। 12 साल दौरे हुकूमत के बाद जब सैयदना उस्मान इब्न अफ्फान को मज़लूमाना तौर पर बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया तो उस वक्त 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम की सरहदें पहुंच चुकी थी। ये क्या है? ये मिशन नबूवत है जो अल्लाह के महबूब पैगंबर सहाबा को देकर गए। फिर सहाबा ने मिशन को लिया और पूरी दुनिया में फैले और हर एक ने अपना हिस्सा डाला। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद खिलाफत पर आते हैं। अगर ये दौरे आलमी में एक एक जगह फतह ना हो सकी
उसकी वजह वो सबाई फितना था कि जिसकी आमेजिश ने हजरत सहाबा के अंदर भी इख्तिलाफात को जन्म दे दिया। वो सबाई फितना था कि जिसकी बुनियाद पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला को शहादत का सामना करना पड़ गया। और यही वो लोग थे कि जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह को मजबूर किया कि दारुल खिलाफा मदीना से कूफा मुंतकिल करवा दिया गया। हजरत अली कूफा चले गए, ये साजिशी अनासर मुमलकत इस्लामिया में फैलते चले गए। आप उन्हीं के साथ ही लड़ते रहे और उसी दौरान उन्हीं की तरफ से आपको भी जाम शहादत पीना पड़ गया। फिर आपके बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मस्जिद खिलाफत पर आते हैं और 6 माह हुकूमत करने के बाद जब उन्होंने देखा कि फितना ज्यादा है, सबाई फैलते चले जा रहे हैं और खुद उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं, और वैसे भी वो इख्तिलाफ राय जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की बुनियाद पर हजरात सहाबा में रोनुमा हुआ था, उस इख्तिलाफ राय को उस इख्तिलाफ को खत्म करने वाले हजरत हसन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसी बुनियाद पर उनकी तरफ से इन्हें मुज़िल्ल मोमिनीन का भी खिताब दिया गया कि हजरत हसन ने गोया नाऊज़ बिल्लाह मुसलमानों को जलील किया। क्यों? आपने हजरत माविया के हाथ पर बैत क्यों कर ली? बार क्या तफसीली वाकयात है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने छोटे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया, हजरत माविया रजी अल्लाह की तरफ गए शाम में और उनके साथ सुलह करके वहां पर बैत कर ली। और फिर उस बुनियाद पर हुकूमत हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुंतकिल हो जाती है। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो तारीख के अंदर या हजरत सहाबा के अंदर ऐसे मजलूम सहाबी हैं कि जिनकी इफ्फत और पाकदामनी को बड़ा दागदार किया गया, जिनके कारनामों को सबाई चादरों के अंदर ढांप दिया गया। और तारीख की रिवायात की बुनियाद पर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक ऐसी घनौनी शक्ल हमें तारीख में दिखाई जाती है कि जिसकी बुनियाद पर बड़े बड़े असातिज़े गुमराह हो जाते हैं और उनकी कलम से हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ऐसे ऐसे कलिमात निकलते हैं कि अल अमान अल हफीज, यानी उनकी सहाबियत तक का भी ख्याल नहीं किया जाता और फजाइलों का मालात अपनी जगह। सिर्फ इतनी बात कि हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब पैगंबर के सहाबी हैं, ये सहाबी होना ही बहुत बड़ी फजीलत की बात है। बाकी फजाइल उनके कितने हैं? अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआएं हजरत माविया के बारे में, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदीयन वहदीही वहदीबीही, कि ऐ अल्लाह इस माविया को हादी बना दे महदी बना दे, क्या माना? हिदायत देने वाला भी बना दे, जरिया हिदायत भी बना दे और इनको हिदायत याफ्ता भी बना दे और इनके जरिए हिदायत को आम भी फरमा दे। एक और मौके पर अल्लाह के महबूब पैगंबर का फरमान, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताब वल हिसाब वकिल अदाब, के ऐ अल्लाह इस मुआविया को हिसाब और किताब का इल्म अता फरमा और इसे कल क़यामत के दिन अजाब से निजात अता फरमा। एक मौके पर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब पैगंबर के पीछे सवारी पर जा रहे थे कि हजरत माविया ने अपना आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ चिपका लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माविया तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से मिला हुआ है? हजरत माविया ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरा सीना और मेरा पेट आपके जिस्म से मस कर रहा है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अमलाहु इल्मन वज़ादा मुसहिर हिलमन, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐ अल्लाह माविया के सीने को इल्म से भर दे और माविया के सीने को हिल्म से भर दे। ये सारी रिवायात हजरत माविया रजी अल्लाह के फजाइल और मनाकिब में तमाम कुतुबी हदीस के अंदर मौजूद हैं। एक मौके पर हजरत बकर हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब पैगंबर को वुज़ू फरमा करवा रहे थे। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने एक दो मरतबा निगाह उठा के माविया के चेहरे की तरफ देखा और फरमाया, माविया इन वली का अमरन फअहसिन एक वली का अमरन फअदिल, कि ऐ माविया अगर आपको हुकूमत मिल जाए तो आप अदब से काम करना, बहसन खूबी उसको अंजाम देना। ये रवायत जब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, हजरत माविया फरमाने लगे, जब ये अल्फाज मैंने सुने उस वक्त से मुझे यकीन हो गया कि मुझे कभी ना कभी हुकूमत और इक्तदार के बारे में जरूर आजमाया जाएगा। तो बार क्या ये वो फजाइल हैं, वो मनाकिब हैं जो अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ुबान मुबारक से बराह हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में बयान फरमाए हैं। अगर हदीस से ऊपर चलते हैं, रब के कुरान को देखते हैं, तो
الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے حضرات صحابہ کے جو فضائل جو مناقب جو کردار جو عدالت اور دیانت اور صداقت اور ان کے بارے میں جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا اس کے اولین مصداق جہاں باقی حضرات صحابہ بنتے ہیں تو انہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اولین مصداق بنتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے قرآن کے آواز میں ارشاد فرما دیا یہ کتاب جو قرآن ہے یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری، لے کر جبریل امین آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے سینے پہ اتری، لیکن اس کو لکھنے والے حضرات صحابہ تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کتاب لے کر لکھ کر امت کے حوالے نہیں کی بلکہ وہی آیا کرتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر عبداللہ بن زید کو بلوا لیتے، صدیق اکبر کو بلوا لیتے، عمر بن خطاب، حضرت عثمان کو بلوا لیتے، حضرت علی، حضرت معاویہ کو بلوا لیتے۔ ابن عباس کی روایت موجود ہے، فرماتے کہ مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھیجا، جاؤ جا کر معاویہ کو بلا کر لے آؤ، کیوں کہ اس سے میں نے کچھ لکھوانا ہے۔ تو بہت ساری روایات کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں جہاں باقی حضرات صحابہ موجود تھے ان میں 13واں نمبر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو گویا کہ اس قرآن کے لکھنے والوں میں ابوبکر صدیق بھی ہے، ان کے لکھنے والوں میں فاروق اعظم بھی ہے، عثمان و علی بھی ہے، لکھنے والوں میں معاویہ بھی ہے۔ تو اس قرآن کو جنہوں نے لکھا، جب اللہ نے قرآن کو لا ریب کہا تو لا محالہ لکھنے والوں کو بھی لا ریب ماننا پڑے گا۔ اگر قرآن لا ریب ہے تو ابوبکر لا ریب ہے، اگر قرآن لا ریب ہے عمر عثمان بھی لا ریب ہے، اگر قرآن لا ریب ہے تو علی اور معاویہ وہ بھی لا ریب ہیں۔ کیوں؟ اگر کسی ایک کاتب وحی کے بارے میں بھی میری اور آپ کے دل دماغ میں کوئی ادنا سا بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گویا کہ وحی ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا، کتب میں تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر انتہائی امین شخص کا کتابت وحی کے لیے انتظام فرمایا کرتے تھے، اور ایک موقع پر جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے محبوب پیغمبر موجود، حضرت معاویہ موجود، تو اللہ کے محبوب پیغمبر جہاں موجود جبریل امین وہاں تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ معاویہ کو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہیں امانت کو اختیار کریں کہ یہ اللہ کی وحی پر امین بنا دیے گئے، یہ اللہ کی وحی پر امین بنا دیے گئے۔ تو جن اب تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو بارک قرآن کے لکھنے والوں میں حضرت معاویہ کا نام بڑے اعلیٰ مقام پر ملتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، تفصیلات تو بہت ہیں کہ جن میں جانا چاہیے بھی اور نہیں بھی جانا چاہیے، لیکن بارک اتنی بات ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں نا بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان بڑی رکاوٹیں تھیں، ان کے درمیان بڑی دشمنیاں تھیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ حالانکہ اگر ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اب بنو ہاشم کون تھے کہ جو چلے حضرت ہاشم بن عبد مناف سے، وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، اور امیہ کون تھے، امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ قریش کی بڑی 10 شاخوں میں سے دو بڑی شاخیں تھیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ اور بنو امیہ وہ تھے کہ جن کے پاس وزارت دفاع ہوتی ہے، جو جنگوں میں سالار بن کر نکلتے ہیں، کہ جن کے قبیلے کے لوگ، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کا مطالعہ کر لیں، حضرت ابو سفیان خود بہت بڑے سپریم کمانڈر، ان کے ایک بیٹے یزید بن ابی سفیان وہ بہت بڑے جنرل جنرل کمانڈر تھے، آپ کے بعد آپ کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان، یہ بھی سارے کمانڈر، یہ بھی سارا ہی کرانا۔ پیچھے بنو امیہ کو دیکھا جائے تو یہ وزارت دفاع کو لے کر چلتے تھے، اور ظاہر ہے دشمن کو تکلیف وزارت دفاع سے ہوتی ہے کہ جنرل اور سپہ سالار ان کے علاقوں کو فتح کرتے ہیں، اور ان کی جا کر ان کو اللہ کی طرف بلانے پر امان دے کر اگر نہ آئے تو جنگ کر کے تلوار کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ بنو امیہ سے تھے، اور بنو امیہ سے مورخین کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی، تو اس بنیاد پر انہوں نے تاریخ کے اندر ایسی ایسی روایات ذکر کر دی کہ جو روایت اور درایت کے اصول پر نہ پوری اترتی ہیں، نہ ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اخبار کے واقعات تو بہت ہیں، تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن میں اور آپ چونکہ آل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے لا نذکرہم الا بالخیر، کہ ہم حضرات صحابہ کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے علاوہ حضرات صحابہ کا تذکرہ
करते, तो जहां हजरत सहाबा में बाकी तमाम सहाबा मौजूद, उन्हीं हजरत सहाबा में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद, और वो हजरत सहाबा सवा लाख डेढ़ लाख सहाबा में से छह सहाबा वो है जो इक्तदार पर आए, जिनको अल्लाह ने हुकूमतें दी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इक्तदार की नेमत से नवाजा, और अबू बकर सिद्दीक नंबर एक, नंबर दो हजरत उमर इब्ने खत्ताब, नंबर तीन हजरत उस्मान, नंबर चार हजरत अली, नंबर पांच हजरत हसन, और नंबर छह हजरत मुआविया बिन अबी सुफयान रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इन छह के अंदर से अगर आप आज के मुस्तशरिकीन, जो आज के अंग्रेज और आज के मौर्य जो इस्लाम के ऊपर तनकीद अपना मिशन समझते हैं, अगर आप उनकी तहरीरात को भी उठाकर देख लें, तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत के एतबार से जो रख रखाव और जो तदबीर और सियासत जो अल्लाह ने हजरत मुआविया को दी, बाकी किसी को भी नहीं दी। अल्लाह ने वो उनको साफों का माला सियासत के एतबार से दे रखे थे। यही वजह थी कि शाम के अंदर इनके भाई यजीद बिन अबी सुफयान मौजूद थे, और शाम उनकी अमलदारी में था। जब उनकी वफात हो जाती है, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया का इंतखाब करके शाम उनकी अमलदारी में दे दिया, और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह के बारे में आता है कि वो बड़ा जान बूझ कर सोच समझ कर और बड़ा गौर खोज करने के बाद इंतखाब किया करते थे गवर्नर का, खूब जांच पड़ताल के बाद। तो उनका इंतखाब ही मौरखीन ने लिखा है हजरत मुआविया के अंदर तो शार पर बहुत बड़ी दलील। और दूसरी चीज, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का एक और तरीका था कि वो ज्यादा हंसा किसी को किसी इलाके का गवर्नर नहीं रखते थे, कुछ अरसे बाद तब्दील कर देते, कुछ अरसे बाद तब्दील कर देते, सिवाय हजरत मुआविया के, कि जब तक हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिंदा रहे हजरत मुआविया को तब्दील नहीं किया। बल्कि एक मौके पर गए शाम के अंदर, हजरत मुआविया ने बड़े शहाना अंदाज में हजरत उमर इब्ने खत्ताब का इस्तकबाल किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, मुआविया आपने सादगी को छोड़ क्यों दिया, या आपने क्या कुछ बना लिया? हजरत मुआविया कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये अर्ज़ शाम है, ये जासूसों की सरजमीन है, यहाँ हर लम्हे जासूस मौजूद रहते हैं, तो उन पर रोक डालने के लिए हमने ये नजरिया और ये तर्क इख्तियार कर रखा है। जब ये बात सुना हजरत उमर इब्ने खत्ताब खामोश हो गए, वो आपकी तायद फरमा दी। अब्दुर्रहमान बिन और गालबन कहने लगे, कितनी सफाई से हजरत मुआविया ने अपने आप को इस एतराज से बचा लिया, मगर ना हजरत उमर इब्ने खत्ताब इतने जलाली सहाबी थे कि वो गवर्नरों को भी कोड़े मारने से नहीं रुकते थे। तो कहा कि मुआविया ने कैसे खुद को बचा लिया? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, यही तो वजह है कि हमने इसको इस खिलाफ इस अमर पर बाकी और कायम रखा हुआ है, ये है इस लायक और इस काबिल इसको रखा जाए। तो बात है, उन पर बड़े एतराज किए तारीख वालों ने, खास तौर पर जंगे सिफीन के अनुमान को लेकर, और ऐसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ उनका निकलना इस बुनियाद पर। हालांकि आप तारीख का मुताला करके देखें, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, तीन दिन मसनद खिलाफत खाली रहती है। अब उसके बाद लोगों जो वही सबाई फितने वाले मालिक अशदर जो था, मोहम्मद बिन अबी बकर जो था, सुलेमान बिन अबी सर्द और जितने भी उस सबाई थे, वो सारे आए और कहा हजरत अली से कि आप खिलाफत के ऊपर आए, खिलाफत आपका हक है, ये खिलाफत हक के अली का नारा। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन सबा जो सबाई बिलखसूस यहूदी था, उसकी पैदावार है, और उसकी तायद करने वाले वो ईरान के रहने वाले थे, जिसकी तफसीर ये है कि 14 हिजरी में हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब इरादा किया ईरान पर हमला करने का, ईरानियों ने मिलकर मुकाबले की तैयारी की, कादसिया के मकाम पर मारका हुआ और बहुत बुरी तरह उन्हें शिकस्त फाश दी गई। इसकी बुनियाद पर ईरान वालों की कमर टूट जाती है, ज्यादा उन्होंने जंग से दस्तबरदारी का ऐलान किया और सारा ईरान हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फतह कर लिया। फिर वहां से लोंडिया भी आती है, वहां के फानूस भी आते हैं, ईरान की कालीने भी आती है, और सारे खजाने मदीना में जमा हो जाते हैं। और ये बात ज़हन में रहे कि यज़दगर्द की बेटी शहरबानो, वो भी उन्हीं लोंडियों और कमीजों में आती है, कि जिनको उमर इब्ने खत्ताब ने हजरत हुसैन इब्ने अली के निकाह में दे दिया था, कि जिनके बदन से ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए थे, जो कर्बला के अंदर मौजूद थे। ज़ैनुल आबिदीन शहरबानो के बदन से पैदा हुए, शहरबानो वो ईरान वालों की थी, और आले सासान वो सासानी कबीला था। उनका एक नजरिया था कि बादशाहत जो होती है वो हक अल्लाह का होता है, अल्लाह जिसको चाहता है वो बादशाह बनाता है। ये लोगों ने कैसे
अपने खलीफे मुकर्रर कर लिए, हक अल्लाह की तरफ से था। अब शहर बांधो, अब अगर एक तरफ देखते हैं तो आले सासान में से हैं जो कि ईरान का हुक्मरान खानदान है, इस तरफ देखते हैं हजरत हुसैन, उनके अहद होता है। हजरत हुसैन अल्लाह के महबूब पैगंबर के नवासे हैं, गोया खानदान नबूवत से हैं। इस तरफ देखे तब भी मकाम आला, इस तरफ देखे तब भी मकाम आला। लिहाजा ईरानी भी सबाइयों के साथ मिल गए और ये ऐलान कर दिया और ये दावा कर दिया कि खिलाफत या हुकूमत हक आले नबी का है, ये गैरों ने लिया है, ये ठीक नहीं है। इस बुनियाद पर प्रोपेगेंडा होता है। आगे बड़ी तफसीलात है इसकी, तो मुख्तसर ये कि इसी प्रोपेगेंडे की नजर हजरत उमर इब्ने खत्ताब भी होते हैं। अब ये मुस्तकिल इसके पीछे तफसीलात है कि जब यहूद मदीना में आबाद थे, बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने मिसाके मदीना की बुनियाद पर उनका अपने करीब किया, लेकिन पहले बनु नजीर ने बदहैदी की, बनु कैनुका ने बदहैदी की, बनु कुरैज़ा ने बदहैदी की, इनको मदीना से बेदखल किया गया। अल्लाह के महबूब पैगंबर आखिर वसीयत फरमा कर गए, अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरत अल-अरब, के जज़ीरे अल-अरब से यहूद और नसारा को निकाल दिया जाए। ये अल्लाह के महबूब पैगंबर की आखिरी वसीयत थी। आप दुनिया से चले गए, आपके बाद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्नद खिलाफत पर आए, टाइम इतना ना मिल सका कि यहूद को निकाल सकते, दो साल हुकूमत थी, फिर फितने खड़े हो गए, फिर बहुत सारे मामला, तो बरकत अल्लाह के महबूब की पैगंबर की वसीयत को हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा किया कि उन्होंने जज़ीरे अरब से ही तमाम यहूद को निकाल कर बाहर कर दिया, उनमें अब्दुल्लाह बिन सबा भी और सारे लोग थे। लिहाजा अब यहूदी भी हजरत उमर इब्ने खत्ताब यानी इस्लाम के दुश्मन, उधर ईरानी, उनके ऊपर जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घोड़े दौड़ा कर उन सबको रौंद डाला था, वो भी हजरत उमर के दुश्मन। तो लिहाजा हजरत उमर को शहीद करने वाला अबू लोलो फैरोज मजूसी, वो भी ईरान का था, गोया के वहां से इन लोगों ने मिलकर इस्लाम के खिलाफ एक महाज कायम किया। तो ये थे वो लोग, फिर इस महाज को लिया अब्दुल्ला बिन सबा ने और प्रोपेगेंडा शुरू किया दौरे उस्मानी के अंदर, और उसी प्रोपेगेंडे की नजर हजरत उस्मान हो जाते हैं। अब उसके बाद मामला यहां तक पहुंचा कि एक सहाबी जब हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए, आपका कुर्ता जो खून में रंगीन था वो, और आपकी अहलिया उनकी तीन कटी उंगलियां ली वो, जाकर शाम के मिंबर पे रखी और शाम वालों को बताया कि उस्मान इब्ने अफ़ान अमीरुल मोमिनीन को इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, पूरा शाम खड़ा हो गया, हम किसास लेंगे, जब तक किसास नहीं लेंगे हमारी तलवारें नियाम के अंदर नहीं जाएंगी, कि इतनी बेदर्दी से खलीफा मुस्लिमीन को शहीद कर दिया गया। जब ये खबर मक्का में हजरत आयशा को पहुंचती है, वो हज के लिए गई थी, इसी दौरान हजरत तलहा ज़ुबैर वो भी मक्का पहुंच जाते हैं, जाकर इन लोगों ने भी अम्मी आयशा के सामने ये सारे हालात रख दिए। आपने कहा वो ये तो बड़ा ज़ुल्मन अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया गया, हम सब हजरत अली से उन कातिलों के किसास का मुतालबा करेंगे। अब यहाँ पर किसासे उस्मान की बुनियाद पर एक इख्तिलाफ पैदा हो गया हजरत सहाबा का आपस के अंदर। हजरत अली जो खलीफा बन चुके थे, उनके हाथ पर सबसे पहले इन सबाइयों ने, मालिक अश्तर ने बैत की, फिर बाकी सब ने बैत की। जब ये मुतालबा हजरत अली की तरफ पहुंचने लगा, उधर हजरत अली ने यह मुतालबा रख दिया कि मेरी बैत कर ली जाए पहले, मुझे खलीफा बांध कर मेरी बैत कर ली जाए, फिर उसके बाद हालात साजगार होंगे, फिर हम इनका बदला लेंगे। लेकिन अहले मदीना जानते थे कि बागी कौन थे, वो बागी हजरत अली के दाएं बाएं मौजूद, और उन्हीं बागियों में से बाद को मुख्तलिफ इलाकों की गवर्नरी भी दे दी गई। ये वो कैफियत थी कि जिसकी बुनियाद पर हजरत सहाबा में इश्तियाक भी आया, हजरत सहाबा का मुख्तलिफ कैफियत भी बनी। हजरत अली ने जब अपने बेबसी का इजहार किया, हजरत मुआविया ने कहा कि अगर आपसे नहीं हो सकता आप मुझे हुक्म दीजिए, हम खुद उन कातिलों से किसास ले लेंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने उसकी भी इजाजत न दी, तो बार क्या ये वजह बनी। एक मौके पर हजरत आयशा ने चंद सहाबा को लिया, जो कि बाद में मामला लश्कर में तब्दील हुआ और बसरा के मकाम पर जंग जबल की सूरत इख्तियार कर गया, कि जहां पर हजरत अली रज़ी अल्लाह की फौजें एक तरफ, हजरत आयशा तलहा ज़ुबैर एक तरफ, अगर देखा जाए जंग जबल की बुनियाद पर हजरत अली के मुकाबले में हजरत आयशा आ गई, हजरत अली के मुकाबले में हजरत तलहा ज़ुबैर अशरा वशरा सहाबा में से है,
वो भी आ गए और मामला का आका बिन अमर एक बहुत बुजुर्ग सहाबी है वो बीच में आए, मामला सुलह तक चला गया। अगले दिन सुलह की तहरीर लिखी जानी थी, मामला तय पा चुके थे। रात को सहाबियों ने मशवरा किया, अगर सुलह हो जाती है हम तो मारे जाएंगे, लिहाजा क्या करें। तो वहां पर ये तय किया कि सुबह होने से पहले आधे अफराद उधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ, हम आपस में लड़ेंगे, लश्करों को आपस में लड़वा देंगे। तो लिहाजा हर एक अपने दिफा की जंग करेगा, हमारा मामला के पीछे चला जाएगा। अभी सुबह हुई नहीं थी कि कुछ सबाई इधर कुछ इधर और आपस में पथराव किया, एक दूसरे को मारा, जिस बुनियाद पर ये बात फैल गई कि हमला हो गया, इन्होंने समझा इन्होंने हमला किया, इन्होंने समझा इन्होंने हमला किया, जंगे जमल हो गई। और उसी जंगे जमल के अंदर हजरत तलहा ज़ुबैर अशरफ बशरा में से वो जान शहादत नोश कर जाते हैं। उसके बाद यही मामला जंगे सिफीन की बुनियाद बन गया। तो जंगे जबल के अंदर भी यही सबाई लोग जो दरमियान में आए थे, इन्होंने गलतफहमियां पैदा करके आपस में लड़वा दिया। यही मामला हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अली के दरमियान हुआ, खतो किताबत भी होती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनका तो यही मौकफ था कि पहले मेरी बैत की जाए, उसके बाद हम किसान की तरफ जाएंगे। हजरत मुआविया का मुतालबा ये था, बात मेरी नहीं है, सारा अहले शाम खड़ा है, जब तक मुसलमान का किसाफ नहीं लिया जाता हम बैत नहीं कर सकते, पहले किसाफ लिया जाए फिर हम बैत करेंगे। बात लोगों ने यहां तक कह दिया, हजरत मुआविया ने अपनी अमारत और खिलाफत का ऐलान कर दिया, सब झूठ है, तारीख की रवायात मौजूद है कि उन तमाम अहले शाम ने हजरत मुआविया के हाथ पर जो बैत की थी वो किसाफे उस्मान के मुतालबे की बुनियाद पर आपको अपना बड़ा माना, क्या हमारे बड़े हैं, गवर्नर आप है, हुकूमत आपके पास है, लिहाजा किसाफ का मुतालबा करें। गैर खलीफा बतौर खलीफा आले शाम ने कोई बैत नहीं।